हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुबिया कासिम. चैप्टर 10 इंटरनेट एंड ईमेल इज़ गोइंग ऑन. इन आर लास्ट क्लास वी कवर द टॉपिक ईमेल, ईमेल अकाउंट, व्हाट इज़ एन ईमेल एड्रेस एंड क्रिएटिंग योर फर्स्ट ईमेल अकाउंट. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ यूजिंग एन ईमेल अकाउंट. आफ्टर क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट यू कैन यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स. आप ईमेल अकाउंट बनाने के बाद क्या करते हैं, उस ईमेल अकाउंट को किस लिए यूज़ करते हैं, ईमेल सेंड करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए. टू यूज़ द ईमेल अकाउंट यू मस्ट लॉग इन टू योर ईमेल आईडी. आपको ईमेल अकाउंट अगर यूज़ करना है सो यू मस्ट लॉग इन इन टू योर ईमेल आईडी. आपको अपनी ईमेल आईडी में लॉग इन करना होगा. आप उसमें यूज़र नेम देंगे एंड पासवर्ड देंगे, देन क्लिक ऑन लॉग इन. लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ईमेल अकाउंट ओपन होकर आएगा. द लॉगिन साइन इन एंड सिस्टम ऑफ डिफरेंट मेल अकाउंट मे डिफर बट दे हैव द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स. लॉगिन और साइन इन जो होता है वो हर सिस्टम में डिफरेंट होता है. उनके फीचर्स क्या क्या हैं अब हम वो देखेंगे. फर्स्ट इज इनबॉक्स. It displays information about all the mail received by you. Inbox क्या display करता है, inbox information display करता है about all the mails, सारे mails के बारे में जो कि आपको आते हैं. Each message header display the sender name. हर message का जो header होता है वो क्या display करता है, sender का name display करता है. Subject line को display करता है, the time and the date. Time display करता है and date भी display करता है. When the mail was sent and sometime the size of the message कि कब वो मेल भेजा गया है and sometimes कई बार उस message का size भी display करता है. To read any mail, किसी भी mail को पढ़ने के लिए आप click करेंगे उस पर, the mail will be displayed and mail display हो जाएगा new window पर. आपके system जो होगा उसकी new window पर mail display हो जाएगा. Now compose और राइट मेल. टू कंपोज अ मेल, मेल कंपोज करने के लिए यू हैव टू क्लिक द कंपोज ऑप्शन. आप कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इट विल ओपन अ न्यू विंडो विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. आपके सामने न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी कुछ कंपोनेंट्स के साथ. देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स के साथ. टू, हेयर यू कैन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन हुम यू वॉन्ट टू सेंड द ईमेल. टू में आप उस ईमेल एड्रेस को टाइप करेंगे, उस पर्सन के ईमेल एड्रेस को टाइप करेंगे जिसको आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं. सीसी, हियर यू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ मेल. यहाँ पर आप उस पर्सन का एड्रेस टाइप करेंगे जिसको आप उस मेल की कॉपी सेंड करना चाहते हैं जो आपने पहले सेंड की थी. द ईमेल एड्रेस मेंशन इन द फील्ड आर विजिबल टू द रिसिप्टेंट ऑफ द मेल. इट स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी. इसको क्या बोलते हैं सीसी को, इट स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी. नेक्स्ट बीसीसी, इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेंड कॉपी ऑफ द मेल टू सेवरल पीपल. बीसीसी किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कि अगर आपको बहुत सारे पीपल्स को मेल की कॉपी सेंड करनी है दैन यू यूज़ बीसीसी ऑप्शन. The email address mentioned in the field are not visible to other recipient. ये वाला जो email address होगा ये दूसरे recipients को visible नहीं होगा. BCC stands for blind carbon copy. BCC की full form क्या है, blind carbon copy. Next subject, you can type the main idea of the mail in this field. सब्जेक्ट में आप क्या टाइप करेंगे, मेन आइडिया जो होगा आपका मेल का आप वो टाइप करेंगे सब्जेक्ट में. नाउ सेंडिंग एन ईमेल. आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल क्लिक द सेंड बटन. ईमेल को कंपोज करने के बाद आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे. रिप्लाई, दिस ऑप्शन इज डिस्प्लेड ऑन ओपनिंग एनी मेल. ये ऑप्शन आपको कब डिस्प्ले होता है, जब आप कोई भी मेल ओपन करते हैं ये ऑप्शन आपको तब डिस्प्ले होता है. इट इज़ यूज टू रिप्लाई बैक द ईमेल. और ये किस लिए यूज़ होता है, ईमेल का रिप्लाई करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं. यू कैन सिंपली टाइप इन योर मैसेज एंड क्लिक द सेंड बटन. आप क्या करेंगे, आप सिंपली मैसेज टाइप करेंगे, क्लिक कर देंगे सेंड बटन पर. नेक्स्ट
फॉरवर्ड एंड ईमेल, ईमेल को फॉरवर्ड कैसे करेंगे आप? यू कैन सेंड अ कॉपी ऑफ रिसीव मेल टू अदर पर्सन बाय क्लिकिंग द फॉरवर्ड बटन. आप फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करके ईमेल की कॉपी दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं. आपको फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करना है एंड आपकी जो ईमेल की कॉपी होगी वो सेंड हो जाएगी जिस भी पर्सन को आप सेंड करना चाहते हैं. आप उसका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे एंड सेंड कर देंगे उसको. नाउ लॉग आउट एंड साइन आउट. क्लिक दिस बटन टू लॉग आउट फ्रॉम द साइट. अगर आपको ईमेल से बाहर आना है, ईमेल को लॉग आउट करना है, देन आप लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर साइन आउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसको लॉग आउट करने के लिए ईमेल को. नाउ नेटिक्यूट्स. द वर्ड नेटिक्यूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. नेटिक्यूट जो है आपका दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नेट एंड एटिक्यूट. हेयर नेट रेफर्स टू इंटरनेट. यहाँ पर नेट रेफर किया गया है किसके लिए? इंटरनेट के लिए. एंड एटिक्यूट रेफर टू गुड मैनर. एटिक्यूट रेफर किया गया है गुड मैनर के लिए आपका. वन एवर वी कम्युनिकेट विद एनी वन वी फॉलो सर्टेन मैनर्स एंड रूल्स. जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं देन वी फॉलो सम मैनर्स एंड रूल्स. दैट इज वी ऑलवेज ग्रीट द पर्सन एंड टॉक टू हिम हर इन अ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल मैनर. आप अगर किसी से भी बात करते हैं देन आप कैसे करते हैं? पोलाइट वे में एंड रिस्पेक्टफुल वे में आप किसी से बात करते हैं. सिमिलरली वाई कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन एवरी इंडिविजुअल शुड फॉलो सेम मैनर्स. सिमिलरली अगर आप ऑनलाइन किसी से कम्युनिकेट करते हैं देन यू फॉलो सम मैनर्स टू मेक इंटरनेट अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन. दिस स्पेशल सेट ऑफ मैनर फॉलोड बाय यूजिंग इंटरनेट. एंड ये कब यूज़ होता है? जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं. एंड इट इज़ कॉल्ड नेटिक्वेट. नाउ ईमेल कर्टेसी. ऑलवेज स्टार्ट योर ईमेल विद ग्रीटिंग. वर्ड लाइक मिस्टर मिसेस डियर रिस्पेक्टेड सर मैम टू शो कर्टेसी. ऑलवेज आपको अपना ईमेल कैसे स्टार्ट करना चाहिए? रिस्पेक्टफुल वर्ड से स्टार्ट करना चाहिए. लाइक मिस्टर मिसेस डियर रिस्पेक्टेड सर मैम. किस लिए? टू शो कर्टेसी. क्रिएट इम्प्रेसिव कंटेंट बाय यूजिंग द फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऑफ द ईमेल. एंड देन आप क्रिएट करेंगे इम्प्रेसिव कंटेंट को बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन. फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो होगा ईमेल में उसको यूज़ करके. मस्ट सी द स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. एंड उसमें स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए. सो मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. मैसेज में मतलब फालतू की बात नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए मैसेज. अवॉइड यूजिंग एब्यूसिव एंड हार्श लैंग्वेज दैट माइट बी कंसिडर्ड ऑफेंसिव. एब्यूसिव एंड हार्श लैंग्वेज का यूज़ आपको नहीं करना है उसमें. ऑलवेज कीप योर मैसेज सेफ फॉर फ्यूचर यूज़ एंड डिस्कार्ड द अनवांटेड मैसेज. फ्यूचर यूज़ के लिए आप उसको सेव करके भी रख सकते हैं, उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं अगर वो अनवांटेड मैसेज है तो. नाउ कॉपीराइट लॉज. Do not steal any content like images, text from the internet. Keep in mind all the copyright laws. आपको steal नहीं करना चाहिए कोई भी content, जैसे images हो गया, text हो गया internet से. Copyright laws को mind में रखना चाहिए. Cyber harassment. If you are constantly harassed by anyone on the internet or social networking website like Facebook or Twitter, never hesitate in disclosing your problem. अगर आप कभी हैरास्ड हो रहे हैं किसी से सोशल नेटवर्किंग साइट पे, जैसे फेसबुक पे या ट्विटर पे, तो उसको डिस्क्लोज करने में आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स और पुलिस एंड आस्क फॉर हेल्प. हमेशा अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए या फिर पुलिस से बताना चाहिए एंड हेल्प के लिए बोलना चाहिए उनसे. सेफ्टी ऑन द नेट. डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. नेट पर अपनी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं से शेयर करनी चाहिए दूसरे पर्सन से, अननोन पर्सन से, जैसे एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर, पेरेंट्स की डिटेल, नेम, एनी अदर थिंग ऑन इंटरनेट. आपको कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए. शेयर योर पर्सनल पिक्चर एंड वीडियोस विद एनी अननोन पर्सन ओवर द इंटरनेट आर एक्सट्रीमली डेंजरस. जैसे आजकल क्या होता है, किसी से भी अपने पर्सनल पिक्चर्स एंड वीडियोस सेंड कर देते हैं हम लोग. सो दैट आर एक्सट्रीमली डेंजरस. ऐसा हमको नहीं करना चाहिए. लोग उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं उस चीज़ का.
And the last one is internet abbreviations and emoticons. Use internet abbreviations and emoticons carefully. आपको internet abbreviations and emoticons carefully use करने चाहिए and try not to hurt anyone feeling. And try करना चाहिए कि आप किसी की feeling को hurt ना करें. Some commonly used abbreviation and emoticons are, कुछ commonly used abbreviations and emoticons आपको ये given है यहाँ पर. ये आपको abbreviation given है and ये आपको emoticons given है कुछ. These days, graphics emoticons are frequently used over the internet. आजकल कैसे emoticons use हो रहे हैं? Graphic emoticons ज़्यादा use हो रहे हैं internet पर. Now, with this, your chapter internet and email is completed. Now, in our next class, we start exercise of this chapter. Thank you.